अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आज मैं आपको मक्के पाक के कुछ मकाम दिखाऊंगा। दोस्तों, ये पहाड़ के ऊपर नीचे सारे आपको खेमे खेमे नजर आ रहे होंगे। अभी आप सीधे हाथ पर देखेंगे तो आपको खेमों का कितना प्यारा मंजर आ रहा है। ये सारे मीना के खेमे हैं। अल्लाह अज़्ज़ल हमें इन खेमों में अपना मेहमान बनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे भाइयों, ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से अपने लगते जिगर हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए लाया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेटा कर यहाँ पर कुर्बान करना चाहा तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए दुम्बा भिजवाया जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह पर कुर्बान हुआ। ये जो आपको खेमे नज़र आ रहे हैं, ये सारे खेमे हाजियों के लिए बनाए गए हैं। माशाल्लाह, कितना प्यारा मंजर है। अभी जो ज़ियारत आने वाली है वो है मस्जिद कैफ। मस्जिद कैफ वो जगह है जहाँ 70 अंबिया अकरम अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी। मीना में जब हाजी आते हैं तो इसी मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। अल्लाह ताला हमें भी मस्जिद कैफ में नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और ये मस्जिद मस्जिद कैफ चार मीनार पर मुश्तमिल है। मस्जिद कैफ के साथ आपको जुमरात भी नज़र आएंगे जिनको हम शैतान कहते हैं। इसलिए हम मस्जिद कैफ की ज़ियारत करते हैं। चार मीनार नज़र आ रहे हैं। मस्जिद कैफ का मीनार है और इस मस्जिद में 70 अंबिया अकराम ने नमाज अदा की है और यह बहुत मुतबर्रिक मस्जिद है। और यह मस्जिद हज में खोली जाती है हाजियों के लिए और हज के अलावा यह मस्जिद बंद रहती है। उसके बाद आपको जो बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है और इस बिल्डिंग में जो आपको सफ़ेद रंग का खेमा नज़र आ रहा है वह है जमरात जिनको हम शैतान कहते हैं। और ये जो खेमा नज़र आ रहा है ये बड़ा शैतान है और इसकी लाइन में उससे छोटा और इसके बाद उससे छोटा है। और ये जो आपको चार मंजिला बिल्डिंग नज़र आ रही है ये शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए है। और जब पहले हादसे आते थे वो बहुत परेशान होते थे और फोट भी हो जाते थे, इस वजह से चार मंजिला बिल्डिंग बनाई गई है। अल्लाह ताला हमें भी इन शैतानों को तीन कंकरियाँ मारने की तौफीक अता फरमाए। और ये आम दिनों में बंद होता है, हज में हाजियों के लिए ये खोला जाता है। और भाइयों, ये आपको कितनी खूबसूरत खेमों की वादी नज़र आ रही है और आपको दूर दूर तक खेमे खेमे नज़र आ रहे हैं। आपको ये खूबसूरत तस्वीर नज़र आ रही होगी खेमों की। ये वो शहर है जो दुनिया का सबसे बड़ा खेमों का शहर है और ये दुनिया की सबसे बड़ी खेमा बस्ती है। उम्मीद है कि आपको जो मक्के पाक की ज़ियारतें करवाई हैं उससे आपको दिली सुकून मिला होगा। अब हम वापस हरम पाक में जाएंगे। और हम जैसे ही हरम पाक में पहुँचे तो वहाँ अजान हो रही थी तो हमने बैठ के अजान सुनी और नमाज के लिए तैयारी की। और जैसे ही नमाज से फारिग हुए तो हम अंदर दफा मरवार जगह पर गए और जैसे ही हम अंदर पहुँचे तो नमाज जनाजा अदा की और जनाजे को कंधा दिया जो माशाल्लाह बहुत सुकून मिला। और बहुत से जनाजे आए हुए थे, चार पांच जनाजे आए थे। फिर इन जनाजों को जन्नतुल मौला कब्रिस्तान में दफनाने के लिए ले जा रहे। और हम जैसे ही वहाँ से फारिग हुए तो फिर हम आगे सहन में आकर बैठ गए और वहाँ पुर के मनाजिर से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। अभी हम हरम पाक में बैठे थे तो इशा के अजान का वक्त हो गया था और अजान हो रही थी
बैठ के अजान सुन रहे थे। तो इतने में फिर इमाम काबा भी आने लगे, तो जो पुलिस वाले खड़े थे तो उन्होंने हमें साइड किया और उनको रास्ता देने के लिए कहा, और हमने उनको रास्ता दिया। ये इमाम काबा आ रहे हैं जो अभी नमाज पढ़ाएंगे, तो आपको मैं उनकी तस्वीर दिखाता हूँ। ये है इमाम काबा जो अभी नमाज पढ़ाने जा रहे हैं, इंशाल्लाह हम इनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और सब सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें।